हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम फैकल्टीज और स्टूडेंट से पूछेंगे ऐसी दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा पसंद है उन्हें कोटा के बारे में। तो आइए। बेसिकली आई एम अ फैकल्टी, राइट? तो एफ फॉर फैकल्टी एंड एफ फॉर फूडी। तो मुझे सबसे ज्यादा तो कचौरी पसंद है, अगर कोटा के बारे में फर्स्ट प्रेफरेंस पूछा जाए तो। एंड सेकेंडली किड्स, आई लव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइक रोमिंग हेयर एंड देयर। तो मजा आता है उन लोगों को देख करके, हर एक के चेहरे पर अलग, किसी के चेहरे पर टेंशन है, किसी के चेहरे पर अलग ही लेवल खुशी है। सो आई लव स्टूडेंट्स एंड फूड। कोटा का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और यहाँ पे स्टडी एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। बेसिकली अगर कोटा की बात करें हम, तो द एम्बियंस ऑफ कोटा विच ब्रिंग्स स्टूडेंट्स हियर फॉर स्टडी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, तो आपको सेवन वंडर्स देखने के लिए पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप कोटा में आइए, आपको सारे के सारे सेवन वंडर्स यहीं मिल जाएंगे। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और यहाँ पे विजिट करने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं। मुझे कोटा की दो बातें बहुत पसंद हैं, एक तो कोटा की कचौरी जो शायद सबको पसंद होगी, और दूसरी चीज़ है यहाँ का जो कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो हमेशा हमारे अंदर एक पैशन, एक जुनून जगा के रखता है और हम हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए और हार्ड वर्किंग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये एनवायरमेंट मुझे कोटा का बहुत पसंद है। कोटा में दो चीज़ें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं वो है हैंगिंग ब्रिज और गणेश उद्यान। यहाँ की दो चीज़ें मेरे को पसंद है, वो है KST और सिटी मॉल। मुझे कोटा में जो दो चीज़ पसंद है, यहाँ के फैकल्टी और यहाँ के स्टडी मटेरियल्स। सो वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो करिए रिलायबल इंस्टीट्यूट के सोशल हैंडल्स को। थैंक यू।